स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं इन्फिनिक्स की स्मार्ट टीवी, जिसका मॉडल नंबर है Y1। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि कैसा हमको क्वालिटी मिलती है, क्या क्या फीचर्स और कैसा क्या हमको मिलता है। तो सबसे पहले तो इसको ओपन करेंगे, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, अपनी ये जो LCD लगी हुई है पुरानी, इसको रिप्लेस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा उसमें दिक्कत आ चुकी है। तो चलिए जल्दी से, सबसे पहले तो बात की जाए बॉक्स पे, तो कुछ आपको बढ़िया बढ़िया सा मेंशन किया गया हुआ है। YouTube लिखा हुआ है, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, G5 और इरोस नाउ। तो ये सारी आपको मेरे ख्याल से प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। यहाँ पे एनर्जी सेविंग का आपको 2-स्टार रेटिंग मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है 2-स्टार रेटिंग के साथ में। तो चलिए जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स। तो सबसे पहले आई थिंक यहाँ पे मैंने एक बार इसको खोला है, तो यहाँ पे रिमोट वगैरह रखा होगा और ये रहा अपना बिल। तो मैं बिल देख के आपको इसका प्राइस भी बता देता हूँ। तो ये पड़ा है मुझे 7600, ये आप देख सकते हैं 7649 रुपये की अपने को ये पड़ी है। तो कुछ डिस्काउंट भी हमें मिला है इस पर, तो कुछ ऐसी रखी मिल जाती है अपनी टीवी। तो जल्दी से इसको निकालते हैं LED टीवी, तो इसको खींचते हैं बाहर और हमको कोई भी जोर लगाना नहीं पड़ा है इसमें। क्यों? क्योंकि काफी हल्की है ये। तो टाटा, तो कुछ ऐसी दिखती है अपनी इन्फिनिक्स Y1, जो कि एक बढ़िया बेजललेस डिजाइन है। आपको बहुत ही पतली पतली बेजल मिलती है, फुल स्क्रीन आपको इसमें मिल जाती है। एक नीचे आपको इन्फिनिक्स का लोगो मिल जाता है, इन्फिनिक्स लिखा हुआ मिल जाता है और जो बेजल्स हैं वो बिल्कुल भी गायब हैं। फिर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 32 सेंटीमीटर आपको लिखा हुआ मिल जाता है। HD 250 यूनिट्स की जो है आपको अल्ट्रा ब्राइट मिल जाती है। फ्रंटलेस डिजाइन है। 20 वाट के जो है आपको बॉक्सी स्पीकर मिल जाते हैं। सोनी लिव, यूट्यूब, डॉल्बी ऑडियो और HDMI का सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो सामने से देखने में तो कुछ ऐसी लगती है। अब आपको रियर साइड का दिखाते हैं, तो रियर साइड से कुछ ऐसी आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे क्लियरली हर जगह मेंशन किया गया हुआ है कि, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं और 3 HDMI पोर्ट आपको इसमें मिल जाते हैं। तो बात की जाए ऑडियो की, तो ऑडियो आउट, हाँ, ऑप्टिकल आउट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको पुराने वाले मिल जाते हैं, AV-IN लाइन आउट आपको यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अपना लाइन केबल लगा सकते हैं और ये पुराना आप एंटीना भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो कुछ ऐसी है इसकी अनबॉक्सिंग। बाकी और चीज़ें देख लेते हैं। तो इसके साथ में आपको मिलता है एक स्टैंड, एक वॉल माउंट आपको मिल जाएगा जो कि कुछ ऐसा है इस तरह का, ये आपको वॉल माउंट मिल जाता है। और ये आपको इसमें एक रिमोट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है देखने में। और कुछ बैटरीज भी आपको इसमें मिल जाती हैं। तो चलिए जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर आपको देख के बताते हैं कि कैसी क्या है पिक्चर क्वालिटी और कैसी है अपनी इन्फिनिक्स टीवी। तो अब चलिए जल्दी से वॉल माउंट का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ करते हैं ओपन। आप देख सकते हैं कि हमने जो इसका स्टैंड है, जो क्या कहते हैं माउंट है, वॉल माउंट, तो वो हमने यहाँ पे लगा लिया। ये वाला आपको ऊपर लगाना होता है,
फिर ये जो इसके सपोर्टर होते हैं इनको नीचे लगा देना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो दूसरी पट्टी है उसको ड्रिल कर लिया है, और आपको तीन ये इस पैकेट से टाइप में मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये तो इनको आपको ऐसे लगा लेना है, इसी में जाके वो तीनों जो छेद हैं वो फंस जाते हैं। तो अब इसको हम लगाते हैं और फिर बात करते हैं इसके फीचर्स के विषय में कि क्या क्या आपको फीचर मिलते हैं और क्या क्वालिटी है। देखने पे ये जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी काफ़ी पुअर है, मतलब एवरेज सी है, तो इतने कम प्राइस में आपको एवरेज सी ही मिलने वाली है, ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, एकदम हल्की सी है फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से इसको लगाते हैं, वहाँ पे मैंने लगा रखा है तो इसको वहाँ पे इसको फंसाते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अपनी जो LCD है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, और जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं क्या क्या कैसे हैं। तो चलिए जल्दी से इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि अंदर हमको क्या क्या मिलता है। तो मैं करता हूँ इसको प्लग और इसको करते हैं ऑन। तो ऑन करने पर इसके बाद आता है रिमोट का काम, तो ये कुछ ऐसा आपको रिमोट मिल जाता है जिसमें काफ़ी कम कीज़ दी हुई हैं, ना वॉइस का आपको सपोर्ट दिया गया हुआ है, और बाकी काफ़ी पुअर क्वालिटी है। इसका जो ढक्कन था वो मुझसे पहले ही दिन टूट गया था, तो इसको करते हैं पावर ऑन। तो इसको किया मैंने पावर ऑन, तो पावर ऑन करते ही लिख के आ गया है अपना इन्फिनिक्स स्मार्ट लाइफ स्टाइल, और मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इतना ज़्यादा मुझे ज़्यादा लैग तो फील नहीं हुआ फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आप सीधे ऐप पे स्विच कर सकते हैं इसमें, और कोई भी अगर आपको सेटिंग चेंज करनी है तो आपको वो ऐप क्लोज करना पड़ेगा, उसमें आपको कोई सेटिंग नहीं मिलेगी। अगर सेटिंग पे जाना चाहें तो यहाँ से आप सेटिंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप ये सर्च, सेटिंग और यूज़र और नोटिफिकेशन हिस्ट्री, एनीकास्ट फ्रेंड्स थोड़ा इसका लेट रहता है लेकिन अच्छा चलता है, उतनी अच्छी क्वालिटी आपको एनीकास्ट में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी एनीकास्ट इसका अच्छा चलता है, 2 से 3 सेकंड का डिले रहता है। साउंड सिस्टम, मीडिया, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सेटिंग्स में आपको वायरलेस नेटवर्क सेटिंग और जितना कुछ भी है, वाईफाई और वायर्ड कनेक्शन, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर इमेज सेटिंग आपको मिल जाती हैं जिसमें आप अलग अलग मोड्स को इनेबल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको साउंड सेटिंग मिलती है, यहाँ पे भी आप साउंड अपना जो इक्वलाइजर वगैरह है वो सेट कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, टाइम, लॉक, मेनू, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन उतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा जो आपको मिलता है, और थोड़ा सा लैग आपको फील होता है, और कोई भी आप सेटिंग्स नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर यूट्यूब खोलता हूँ तो यूट्यूब ओपन तो हो जाएगा, लेकिन कभी कभार होता क्या है कि अब मैं आपको YouTube प्ले करके दिखाता हूँ, ऐसे YouTube का बटन प्रेस करेंगे और आपका YouTube यहाँ से ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितना टाइम लग रहा है YouTube ऑन होने में। YouTube पे आप प्ले करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप कास्ट से, एनी कास्ट से प्ले करते हैं तो आपका उतना क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। बाकी बात की जाए पिक्चर क्वालिटी की, तो एवरेज सी है आपकी पिक्चर क्वालिटी, और आप यहाँ पे बॉक्स साउंड मिल जाते हैं जो कि उतना अच्छे मुझे नहीं लगे, ना उतनी अच्छी आवाज़ निकाल पाते हैं, ये फटते भी हैं अगर ज़्यादा वॉइस में आप अगर इसको चलाते हैं तो, कभी कभार मूवीज़ में आपको भरभराहट जैसी फील होगी। तो आप देख सकते हैं कितनी लैग करती है टीवी, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से इस टाइप में। और इसमें एक मुझे और गड़बड़ी लगी, अगर आप सर्च करते हैं तो काफ़ी आपको बटन्स प्रेस करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपका रिमोट किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहिए था इनको, या फिर एक वॉइस कमांड का ऑप्शन इनको देना चाहिए था। तो कुछ ऐसा है रिव्यू अपनी टीवी का, और यहाँ पे मैं इसको डिस्क भी लगाने वाला हूँ, और यहाँ पे इसके सारे के सारे कनेक्शन जो है वो हो जाते हैं नो डाउट। और जो इसकी वॉइस है उसमें आपको छनकार जो ट्रेबल है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंने इसमें होम थिएटर जब मैं इसको इन करता हूँ तो नो डाउट काफ़ी अच्छी वॉइस देता है आउटपुट में, तो डॉल्बी ऑटम्स का सपोर्ट भी इसमें आपको मिल जाता है, तो वॉइस काफ़ी अच्छी आपको आउटपुट में मिल जाती है अगर आप कोई एक्सटर्नल स्पीकर लगाते हैं। लेकिन इसके जो साथ में स्पीकर हैं वो उतने अच्छे मुझे नहीं लगे, लाउड हैं, ट्रेबल है उनमें, लेकिन अगर आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी में आपको अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा था अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस, बाकी मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। इस
से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाय द वे प्राइस की बात की जाए तो मुझे ये मिली है 7000 रुपये की, तो 7000 रुपये में काफ़ी अच्छी है अपनी ये टीवी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।